नमस्कार, वेलकम टू स्टाइल शो केस। दोस्तों, कैसे हैं आप? और मैं हूं आपकी सुमन सिंह, और हाजिर हूं फिर आप ही का प्रोग्राम लेकर स्टाइल शो केस में, जिसमें आपको पता ही है कि हेड टू टो लाइफस्टाइल, चाहे वो हेल्थ के अकॉर्डिंग है, इंटरनल है, स्पिरिचुअल है, कोई भी चीज़ ले लें, तो हम ट्राई करते हैं कि आपके लिए लेके आएं, आपसे बातें करें, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें बताएं, और समटाइम तो मैं रेसिपी भी बताती हूँ। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि वीक में हम दो दिन डॉक्टर सोनम कपूर, जो कि नेचुरलपैथी में बहुत माहिर है, और उनका दावा है कोई भी प्रॉब्लम हो तो शी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वो बीमारी को ठीक कर सकते हैं दवाइयों के बिना, बट उसमें आपको अपना मन स्ट्रॉन्ग अच्छी तरह से करना पड़ेगा उनको कॉपरेट करने के लिए। तो हमने अभी जैसे कि दो वीक से हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, अपनी जिंदगी, रोजाना जिंदगी को हम किस तरह से लिव करें, कैसे लिव करें ताकि हम हेल्दी भी फील करें, खुश भी फील करें, एक्टिव भी फील करें। तो जैसे आज हम सोच रहे हैं कि क्यों ना, क्योंकि अगर देखा जाए कि हेल्दी लिव करने के लिए बेशक हमारा एक्टिव रहना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, बट इन सब चीजों से ऊपर उठकर एक और चीज मायने रखती है। वो क्या है कि अगर हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ हैं, तो हमारा एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से हम एक दूसरे को किस तरह से ट्रीट करें या किस कैसा बिहेव करें, ताकि उन चीज़ों के साथ भी हमें कोई टेंशन ना हो, क्योंकि टेंशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें सब कुछ होते हुए भी हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो टेंशन को दूर करना ये सबसे बड़ी बात है, और इनको दूर करना बहुत मुश्किल है, बट मुश्किल वह तब होता है जब हम अपना मन नहीं बना पाते, हम अपने आप को अच्छी तरह से दूसरे के प्रति और दूसरों को अपने प्रति ऐसे व्यवहार में नहीं ला सकते जिससे जैसा हम चाहते हैं। कहते हैं ना कि जैसा मैं दूसरों के प्रति व्यवहार चाहता हूँ या चाहती हूँ भगवान, वैसा ही व्यवहार अगर मैं दूसरों के साथ करूं तो मुझे लगता है टेंशन बहुत कम हो जाएगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ कि कैसे हम रोजाना जिंदगी में बच्चों के साथ और बच्चे हमारे साथ बिहेव करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी सुमन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार व्यूअर्स। थैंक यू। आप कैसे हैं? बस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सबों का, जो अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं, उनका सबका साथ होने के कारण तो कैसे बुरे हो सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सही कहा आपने। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। तो आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम बात करें कि बिहेव कैसा हो जिससे फैमिली में टेंशन कम रहे, स्ट्रेस ना हो। देखिए सुमन जी, मैं एक बात बोलूं, जब हम कोई कुछ भी कहीं भी, जैसे हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं या कभी कहीं हमारे लेक्चर्स होते हैं स्कूलों में, कॉलेज में, कॉर्पोरेट एरियाज में, या हमारा योगा का कोई हमारा प्रोग्राम होता है, या हमारा कोई कॉलेजेस में टीचर्स के लिए होता है, या हमारा ये नेचुरोपैथ का कुछ ऐसे डाइट के ऊपर होता है, कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है, तो हम सबसे पहले एक ओरा क्रिएट करते हैं। ओरा मींस एक पॉजिटिव एनर्जी का ओरा। ओरा मींस हम जब खुद के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हैं तो हम उसी 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 एनर्जी के साथ जाते हैं।
जैसे अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो आप सोच नहीं सकते कि अभी आपको जैसे मैंने बोलते हुए अभी सुना, और जैसे मैं अभी चाहती हूँ कि परमात्मा करे या कोई भी पूरे संसार में जो भी हमें देख रहा है या जो हमें सुन रहा है, जो जो चाहे कहीं किसी भी, चाहे YouTube से या Facebook से या किसी से भी, वो इतना पॉजिटिव हो जाए सिर्फ सुन के ही, चाहे वो कुछ भी ना करे, सिर्फ सुन के इतना पॉजिटिव हो जाए, अपने अंदर वीकनेस को खत्म करे और स्ट्रॉन्गनेस को फील करते हुए अपने अंदर एक इच्छा शक्ति को जगाए कि मैं इस बीमारी से या इस बिहेव से, नेगेटिव एनर्जी से दूर रह के अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। ये हर इंसान कर सकता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी भगवान ने भर रखी है एक सिस्टम के अंदर कि सुमन जी जो करेगा सो पाएगा, डू एनर्जी वाली बात है। अब बिहेवियर भी ऐसा ही है जी, सच बोल रहे हैं सुमन जी, मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं अपनी आत्मा से, अपने दिल से और एक गुड फीलिंग फैक्टर से मैं ये क्योंकि मैं ये इतना मतलब दिल खोल के बता नहीं सकती हूँ अभी कि मैं ये चाहती हूँ हे परमात्मा, जो भी इंसान है अभी वो सारे के सारे दुखों से, सारी नेगेटिव एनर्जी से दूर चला जाए, क्योंकि मुझे उससे पहले दुख होता है जब मैं कोई भी ऐसे किसी पेशेंट को या ऐसे किसी पर्सन को देखती हूँ या मिलती हूँ या सुनती हूँ कि वो बड़ा दुखी है। मैं कहती हूँ दुख में अगर सुख ढूंढ लिया जाए बिल्कुल, तो वो उस राज को समझ ले, उस सीक्रेट को समझ ले कि दुख में सुख छुपा है। सच मानती हूँ कि दुनिया में सुमन जी कोई भी बीमार या कोई भी नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये राइट है, ये सत्य है कि दुख ही सुख का कारण है। बिल्कुल सही कहा आपने, सच बोल रहे हो जी। और अभी आपने जो क्वेश्चन किया बच्चों के लिए, पेरेंट्स बच्चों के लिए जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं वो अपना एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि मेरा बच्चा ये बनना चाहिए, मेरा बच्चा सबसे अच्छे निकलना चाहिए, मेरा बच्चा स्कूल में सबसे आगे आए, फर्स्ट रैंकर बने, या मेरा बच्चा भी ट्रिपल प्लस लेके आए, या मेरा बच्चे का भी नाम हो, या इसकी वजह से मेरा नाम हो, या मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरा बच्चा वो बने। पहले तो इस मिथ्या को, इसको इसको अपने व्यू से निकालना होगा, माइनस करना होगा कि बच्चे की एबिलिटी पे ध्यान देते हुए, जैसे आपके वहां पर तो बहुत देते हैं, अभी तो देने लगे हैं सुन सुन के, समझ समझ के, तो यहाँ जो जनरेशन गैप जो बोलते हैं वो यहीं से आ जाता है। बिल्कुल, बच्चे को समझना बहुत जरूरी है, बच्चे को उसी वे से समझे जिस वे से बच्चा आपको उस एज में समझाना चाहता है, ना कि आप बॉस बन के समझे, ना कि आप मैं बड़ी हूं या बड़ा हूं समझिए, समझ के समझिए, ना कि ये समझे कि मैं माँ हूं या बाप हूं, ये समझ के समझिए उसको। बच्चे को उसी वे से समझे जिस उम्र में वो बच्चा अपने, हम भी अपने आप को समझे कि हम जब इतने साल के थे तो हम कैसे थे या हमें क्या सोच थी, तो उसी हिसाब से बच्चे को समझाया जाए। मैं कहती हूँ तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए, सारे बच्चों की जो इंटरनली जो आपकी जो गैपिंग आ जाती है बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में, वो ना आ करके, और बच्चे अंडरस्टैंडिंग जो लेवल बढ़ता है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाए, बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे आ जाता है। इसलिए सोनम जी, इसमें जैसे आपने कहा कि अगर हम ये सोचे कि जिस हिसाब से हमारी परवरिश हुई है, जिस हिसाब से हम जब यंग थे या बच्चे थे हम क्या करते थे, अगर हम उन चीजों को सोचें और अब का टाइम देखें तो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हमारी परवरिश, हमारी सोच, हमारा माहौल तब बहुत डिफरेंट था। अगर हम कहें कि अब हमारे बच्चे हमारी तरह से वैसे करें, मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे, नहीं कर पाते सुमन जी, ये भी सही है। लेकिन लेकिन आजकल के जमाने में मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चों की सोसाइटी होती है जी हाँ, वो बहुत मायने रखती है, वो माँ बाप कितना भी संस्कार दे दें वो बहुत बहुत मायने रखती है। पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चों की सोसाइटी पे थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा और उसको अच्छे और बुरे का दोनों का ज्ञान देना होगा, क्योंकि अगर बच्चे ने बनना है, बच्चे ने इतनी समझ होती है आजकल के बच्चे में कि
हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, गलत पे जा रहे हैं या सही पे जा रहे हैं। तो ये बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास शुरू से ही दिलाना चाहिए कि अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो आपको ही भोगना पड़ेगा ये गलत रास्ता, और इसका सही रास्ता ये है, तो आपको ही इसका फेस करना होगा। हम तो क्या, हम तो गाइड कर सकते हैं, हम तो साथ दे इतना कर सकते हैं कि भाई हम गाइड कर रहे हैं आपको, ये दोनों रास्ते हैं, एक ही लाइन नहीं है, ये अलग अलग है, आप इस तरफ जाओगे तो आपको ये है। बच्चों को जब भी समझाना हो, एक टीचर बन के नहीं, एक दोस्त बन के समझाना, दोनों लाइन बराबर समझाए, क्योंकि हर पहलू के दो ही हिस्से होते हैं, अच्छा और बुरा। ये दुनिया में बिल्कुल सही है, अच्छे का भी बुरा होता है, बुरे का भी अच्छा होता है, तो ये दोनों जुड़े ही रहते हैं। तो दोनों रास्ते पहले अपने नॉलेज में लाके और उसी हिसाब से उनको रिजल्ट बताए कि ये तो होना है, देख लो, और आपको अगर फेस करना तो दोनों में से कोई भी रास्ता आ गया, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी जिम्मेदारी लेते हो, अच्छे के भी बुरे के भी, दोनों की लेनी पड़ेगी, चॉइस आपकी है। क्योंकि बच्चे उस उम्र में एक ही रास्ता देखते हैं, गलत वाला ज्यादा देखते हैं, जो मन को भाता है वही चले जाता है, भाता है। और भाता भी देखो, भाता शब्द आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला, क्योंकि जवान को जो भाता आदमी वो ही खाता है, और जो शरीर को भाता वो नहीं खाता। बिल्कुल हाँ, और हो रहा है ऐसा, आप देखना बच्चे गलत रास्ते पे जल्दी जाते हैं, सही रास्ते पे नहीं जाते, लेकिन जब उनको समझा दो, जब उनको आप बोल दो कि देखो भाई ये रास्ता है, दोनों में से कौन सा चूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है, हम उस तरफ नहीं खड़े, हम आपके सही रास्ते के साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पे जाने के लिए बच्चों को डर बैठ जाता है जी। तो नेचुरली वो सोचेंगे जरूर। तो यहाँ आपको दो काम हो जाएगा, एक तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे बच्चे, सोचने समझने की शक्तियां बढ़ जाएंगी, और अपने आप उस गलत चीज को फेस करने की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं सही चीज को फेस करने की ताकत में कन्वर्ट हो जाएगी, ये देख लेना। भटका हुआ बच्चा भी सही रास्ते पे आ सकता है, अगर आप बोलेंगे नहीं भी बेटा मैं तो खड़ा हूँ भाई तेरे साथ, या तो बेटी मैं तो खड़ी हूँ तेरे साथ, तू गलत कर सही कर, तो बच्चे तो नेचुरली स्पॉइल होंगे ना। बिल्कुल, आप इतना प्यार कर दोगे बच्चों को और आप भी नहीं समझ पाओगे कि सही रास्ता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक बता दू, अभी पेरेंट्स भी चाहते हैं मेरे बच्चे को ये बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा भी कई हद तक चाहता है कि मेरे अंदर से ये बीमारी निकल जाए। जब वो ट्रीटमेंट लेने लगेगा तो कमिटमेंट माँ बाप को नहीं, उसको करना बच्चे को। बिल्कुल सही कहा। अब बच्चा कहे कि मैं कमिटमेंट कर लूं, लेकिन मुझे ये सब, अगर वो नेचुरोपैथ में आ रहा है, नेचुरोपैथ में आ रहा है, तब तो उसको हमारे पास तो वो ही आए जो परहेज करना चाहता है, जो हम जो अपने आप को हेल्दी बुढ़ापे में भी रखना चाहता है। मैं तो साफ बोलती हूँ, हमारे पास नेचुरोपैथ में तो वो ही आए जो अपने आप को हेल्दी लाइफ लॉन्ग रहना चाहता है। तो डॉक्टर साहब, अभी हम एक ब्रेक ले लेते, तो ब्रेक के बाद इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों अभी गए अभी आए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं विद डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ कि हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, और हेल्दी लाइफ में हमारे बिहेव, हमारा जा हमारे बच्चों के बिहेव का कितना इफेक्ट होता है। अगर अच्छा बिहेव है तो हेल्दी होंगे, अगर स्ट्रेस में आ रहे हैं, बिहेव अच्छा नहीं है, चाहे वो पेरेंट्स का है चाहे वो बच्चों का है, तो उसके साथ अच्छा ना बिहेव होने के साथ लाइफ में बहुत बैड इफेक्ट होते हैं, हमारी सेहत अच्छी नहीं रहती। सबसे पहले तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, स्ट्रेस इज द मेन की ऑफ अनहेल्दी लाइफ। हम कहते हैं ना कि मेन की हेल्दी लाइफ के लिए क्या है, अनहेल्दी लाइफ के लिए स्ट्रेस सबसे ऊपर आता है। जिस बंदे को, जिस पर्सन को स्ट्रेस हो जाए, स्ट्रेस में रहना सीख जाए, हमेशा ओ मुझे बहुत स्ट्रेस है ये काम का, ये खाने का, ये बनाने का, अरे भाई अगर लाइफ
को इजी बनाना है तो स्ट्रेस को आपने नीचे दबाना है, अपने सर के ऊपर नहीं लाना। तो स्ट्रेस को भगाओ और हेल्दी लाइफ को लेकर आओ। तो डॉक्टर सोनू कपूर जी बता रहे थे कि हम जब बच्चों के साथ बात करते हैं, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को अच्छी तरह से सिखाना है कि अच्छा क्या है, गलत क्या है। जी डॉक्टर सोनम जी, जी बच्चों को ये सिखाना क्या बताना है, बताना बताएंगे तो वो हाँ, क्योंकि जिस तरीके से वो गलत रास्ते पे होते हैं तो वो सही रास्ते पे अपने आप आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये तो हमारी ही लाइफ है, हमें ही जीना है, गलत तो नहीं करेंगे। ये मैं 100% बोलती हूँ, क्योंकि जब आप बता दोगे ना कि इसके दो रास्ते हैं तो वो गलत नहीं करेंगे, वो सही रास्ते पे ही आएंगे। लेकिन इसका आप जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, जब आप एक्सेस प्यार करेंगे या एक्सेस उसके साथ फ्री भी छोड़ देंगे, एक दोस्तों की तरह रहे तो ज्यादा बेटर है। कि आप दोस्तों की तरह रहने के साथ साथ क्या होगा कि आपसे बच्चा खुल के बात करे, हर टॉपिक पे बात कीजिए उससे खुल के, हर टॉपिक पे, जिससे कि वो बाहर ना जाए, लड़की हो चाहे लड़का हो, बाहर जाएगा बचपन से ही सिखाना चाहिए। अब कोई होता है वर्किंग लेडी होती है, पैसे पैसा भी चाहिए होता है घर को संभालने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है, और बच्चों की सोसाइटी पे नजर रखना भी सुमन जी बहुत जरूरी है। कई बच्चे बताते नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं चोरी छुपे देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि कहीं बच्चा हमारा गलत रास्ते तो नहीं जा रहा कहीं। लेकिन उसको अगर पता चलता है तो बच्चे उसका फिर नेगेटिव इफेक्ट भी लेते हैं कि ये तो स्पाई कर रहे हैं, हमें जासूसी कर रहे हैं हमारी जी, इसका भी बुरा असर पड़ता है। लेकिन बच्चों को बिठा के बात करना या बच्चों को ये बोल देना कि हमें तो मालूम है भाई गलत रास्ते जाओगे तो तुम्हें ही इसका फेस करना पड़ेगा, सही रास्ते जाओगे तो भी तुम्हें फेस करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों को रियलाइजेशन होगा तो वो ही गलत रास्ते पे जाना छोड़ेगा। रियलाइज कराना जिम्मेदारी, दोनों चीजें बहुत जरूरी है बच्चों को। जिम्मेदारियां तो देखो आई जाती हैं, क्योंकि अब आपके वहाँ यूएसए में तो या फॉरन कहीं में भी जाओ बच्चे अपना काम खुद कर लेते हैं, पेरेंट्स तो थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, लेकिन गलत और सही का रियलाइजेशन भी होना बच्चों को बहुत जरूरी है जी। और सुमन जी मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं फॉरन में, यूएसए में भी, यूके में भी, अगर उनको रियलाइजेशन हो जाए, रियलाइज कर ले वो इस बात का, तो मैं नहीं समझती कि वहां के बच्चे भी समझदार हैं, वो गलत रास्ते नहीं जाते। इंडिया में तो फिर भी चोरी छुपे कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं, लेकिन वहां के बच्चों को, क्योंकि उनको सेल्फ डिपेंडेंट की शुरू से ही आदत तो होती है। बिल्कुल, इवन डॉक्टर साहब मैं तो सयाना तो हर कोई, हर माँ बाप अपने घर में होता है, यानी मेरी सोच के अकॉर्डिंग जब मैं बच्चों से भी बात करती हूँ, समटाइम वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत थोड़ी है, तो मैं उनको कहती हूँ कि देखो बेटा या बेटी, जब आपको किसी बात को छुपाना पड़ जाए, चाहे वो पेरेंट्स से, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल से, दुनियादारी से, जब आप किसी बात को छुपाते हो तो इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग, गलत, रॉन्ग, राइट, नहीं तो छुपाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो बात आप छुपा रहे हो, इट मींस वो बात आपके लिए या हमारे लिए या समाज के लिए अच्छी नहीं है, तो बेटर है वही काम करो जो आप सबको बता सकते हो, खुलेआम कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर सुबह या शाम को आप जब शीशा देखते हो, देखते समय आप ये सोचो कि मैंने आज कौन सी चीज की थी, कौन कौन सी चीजें मुझे भा गई, और कौन कौन सी चीज ऐसी है जो मैंने छुपाई है जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, आपको खुद पता चल जाता है। बट बच्चे ऐसे हैं कि वो अपनी बातों को इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो चलता है, बाकी सब बच्चे कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों ना करूं, राइट राइट राइट, यही इसी टॉपिक पे आना चाह रही थी मैं सुमन जी, कि बाकी बच्चे ऐसे करते हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो आप तो बाकी बच्चों से अलग हो ना, बाकी बच्चों से, बाकी बच्चों के पेरेंट्स मैं तो नहीं हूँ। बिल्कुल,
मैं तो आपके पेरेंट्स हूँ, आप कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं, तो छुपाने का मतलब है राइट है, ये तो गलत है, गलत बात, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि अगर मैं ये बातें छुपा लूंगा तो, या छुपा लूंगी तो मेरे पेरेंट्स मेरे समझेंगे नहीं कि मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ। वो दरअसल अपने आप से भी छुपाते हैं, बिल्कुल छुपाते हैं, मालूम है कि ये चीज गलत है, गलत है, फिर भी, हाँ फिर भी सोसाइटी में, अभी देखो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी, अब मानो कि कोई इंसान जो है लिख कर नहीं ले रहा है, ऐसे मेरे पेरेंट्स पेशेंट है वहां पर, सॉरी पेशेंट है यूएसए में, यूएस में, तो जी. वो लिख कर लेते हैं रोज, वाओ ओके, ठीक है, कभी ओकेशनली भी लेंगे, रोज भी लेंगे, वीकली भी लेंगे, लिख कर लेते हैं, तो लिख कर लेते हैं, तो उनको किसी ने बोला या मैंने, हम तो पहले साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट देके उनको छुड़वा देते हैं, तो उनको बताते हैं कि भैया ये है इसका इफेक्ट, आप एकदम नहीं, इसको इसको 40 ml ले रहे हो तो आप इसको 35 लाओ, फिर 30 लाओ, फिर इसको धीरे धीरे 25 लाओ, और फिर आप अपनी बीमारी को ठीक कर लो, फिर आप लाइफ में कभी भी लेंगे ना तो आपके लीवर पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, राइट। अगर वो बीमारी में भी लिख कर लेते हैं, लीवर की अगर कोई बीमारी है या डायबिटीज की कोई बीमारी है या किडनी की कोई बीमारी है और लंबे अरसे से आप एलोपैथी के उसमें है, ट्रीटमेंट में है, तो लिकर का तो बैड इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ेगा बॉडी पर, तो आप इतनी छूट देते हैं कि जब ट्रीटमेंट करते करते आप इसको धीरे धीरे कर लो, और बाद में फिर जब ओकेशनली हो, किसी की शादी हो या बर्थडे हो, तो आप लेने के काबिल बने रहो, ऐसा ना हो कि एलोपैथी में भी आप जा रहे हो और उसके साइड इफेक्ट भी हो रहे दवाइयों के, तो लिकर भी ले रहे हो, और अगर बाय द वे फॉर एग्जांपल यंग एज आपको कोई बीमारी नहीं है और आप ले रहे हो, लेकिन आप ये देखो कि हम इस उम्र में जब जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा, हमारा लीवर जो है उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते लीवर की भी एज बढ़ेगी हमारी एज बढ़ने से, बिल्कुल, कोई ऐसा तो नहीं है कि लीवर तो उतना हमारा 20 साल या 19 साल या 15 साल जितना ही रहेगा, हमारे ऑर्गन्स की भी तो एज बढ़ेगी ना, हमारी बढ़ने की एज भी बढ़ने पे, तो हमारी इम्यूनिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हमारे बॉडी के फिजिकल बॉडी मेंटल बॉडी पे, मेंटल बॉडी की सोच भी अलग हो जाएगी, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम क्या करेंगे जब इम्यूनिटी हमारी कम हो जाएगी, तो हमारा जो बताने का तरीका अपने पेशेंट को है वो बिल्कुल डिफरेंट है, हम उन्हीं के एज के हिसाब से उनको बताते हैं, उन्हीं की एज से उनको काउंसलिंग देते हैं कि भाई आप देख लो, ये तो ये चाहे आप किसी भी पेशेंट को देखो, आप पियोगे आपकी हेल्थ है, आप नहीं पियोगे आपकी हेल्थ है, लेकिन आप अपना पैसा और या एज या टाइम हमारे ऊपर वेस्ट मत करो, तो हम जब रिश्ता ये बताते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सुमन जी उनके मन में ये बात रह जाती है कि हाँ भाई ये डॉक्टर साहब सही बता रहे, नहीं हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं की बॉडी को लेके उनके सामने ओपन कर देते हैं ना, अगर हम ये बात बच्चों के सामने करेंगे तो बच्चे नहीं समझेंगे, वो एक लेक्चर की तरह लेंगे इस चीज को, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद दोस्तों हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, अगर आपको भी डॉक्टर साहब के साथ हमारे साथ कुछ ना कुछ शेयर करना है तो डू कॉल अस 8443241300 पर, तो हम लेते हैं एक ब्रेक। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों आज हम डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ बात कर रहे हैं हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, और इसमें आज हमारा डिस्कशन का चर्चा का विषय है बिहेव फैमिली में एक दूसरे के ऊपर कितना बैड और कितना अच्छा असर इफेक्ट करता है। तो बिहेव का अच्छा होना एक दूसरे के साथ हेल्दी लाइफ में सोने पे सुहागा है। जी डॉक्टर साहब। जी सुमन जी, तो हम बात कर रहे थे अभी बच्चों की, तो बच्चों के ऊपर विश्वास कीजिए, अंधा विश्वास मत कीजिए, और बच्चों को अपने फेवर में भी लीजिए और अंडरस्टैंडिंग से बात कीजिए बच्चों के ऊपर। कभी कभी क्या होता है सुमन जी, बच्चों को आप बोलेंगे ना कि ये चीज कर लो बेटा, वो नहीं करेंगे। अगर आप उसी चीज को बोलोगे, अच्छी चीज को बोलोगे बेटा या बेटी ये मत करो, तो वो ही करेंगे।
कई बार बच्चों की टेंडेंसी हो जाती है सोचने समझने की कि जो आप अगर हाँ बोलेंगे किसी काम के लिए तो वो उसको ना करेंगे, और किसी काम को अगर आप ना बोलेंगे तो वो हाँ करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जिद्दीपन जो होता है ना, तो बचपन से ही हो जाता है कि अगर आपके बच्चे, मानो कि बचपन से अगर कोई, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जब किंडरगार्टन के स्कूल के बच्चों को देखा है जब हमारा सेशन होता है वहां पर, तो बच्चों को जब ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं कि कभी बाजार मार्केट में गए या कहीं मॉल में गए तो उनको टॉय की तरफ अट्रैक्शन होती है, तो घर पर तो बहुत सारे टॉयज होते हैं उनके, पेरेंट्स भी लाके देते हैं, बर्थडे पे भी मिलते हैं या उनको काफी सारे, कोई भी रिलेटिव भी आते देते हैं, लेकिन उनको वही टॉय अगर किसी मॉल में दिख जाए उनको वही चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को समझाने का उस टाइम जो तरीका होता है वो बहुत प्यार से और उसको घर पे और या मॉल में कैसे समझाना, ये एक आर्ट है। बच्चे तो बच्चों को कहते हैं कि संस्कार के साथ बिहेवियर देना एक बहुत बड़ा एक आर्ट है, जो कि आज की माँ को बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि बच्चे बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट होते हैं और इतने सारे गैजेट्स का प्रयोग करते हैं। आजकल मैंने देखा है कि बच्चे 6 मंथ 8 मंथ होते हैं तो माँ उनको कार्टून दिखाते हुए खाना खिलाती है, जब वो बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, जब वो छोटे से LKG में होते हैं या जूनियर सीनियर क्लासेस में होते हैं, तो वो कार्टून देख के ही तब भी कार्टून देख के ही होमवर्क करते हैं या कार्टून देख के ही कोई भी काम करते हैं, तो वहां वो माँ भूल जाती है कि मैंने बचपन से इसको कार्टून दिखाते हुए खाना खिलाया था। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ हम देखा जाए डॉक्टर साहब, हमारे तो यहाँ इतना ज्यादा ये ट्रेंडी कहूंगी कि हर घर में, क्योंकि पहले ऐसे था अगर बच्चा खाता नहीं था ना तो हम डिफरेंट वे से उसको खिलाते थे, कुछ ना कुछ उनके सामने हंसकर, फनी कुछ ऐसी चीजें दिखाकर, ताकि बच्चे का ध्यान खाने से हटकर उसकी ओर जाए, वो खाना खा ले। तो वो डिफरेंट चीजें हम करते थे, हम भी करते थे, बट अब क्या है कि पेरेंट्स इतना इजी लाइफ चाहते हैं कि बच्चे को आईफोन दे दिया, बच्चे को छोटा सा कुछ ना कुछ वो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चीज दे दी ताकि बच्चा उसमें अपने शो देखता जाए। सारा दिन मैंने देखा है कि बच्चों की एक्टिविटी कम हो गई है। बिल्कुल सुमन जी, यही माँ बाप गलती करते हैं, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना सुमन जी, तो दुख इस बात का मैं देखती हूँ, मैं खुद महसूस करती हूँ, फिर वो बोलते बच्चे ही खराब है, बच्चे ने ऐसा किया, बच्चे कोई पेट से सीख के नहीं आया। सुमन जी बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बच्चों को आप जैसा मोल्ड करना चाहे, जैसा उसको मोड़ना चाहे वो वैसा ही मुड़ जाएगा, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती है ना बचपन में, जो बच्चों के साथ माँ बाप ने की होती है, पेरेंट्स ने की होती है, वो बड़े होके जब वो ही करते हैं तो बच्चे फिर उनके दुश्मन हो जाते हैं, मतलब पेरेंट्स भी बच्चों को फिर डांटने फटकारने और गलत वे से लेके जाने की को ले जाते हैं, फिर वो और बड़े होते हैं तो बच्चे फिर जिद में अपनी करने लगते हैं, तो फिर पेरेंट्स फिर उनको बुरा बोलते हैं कि ये तो ऐसा ही था या ऐसी ही थी बचपन से। नहीं सुमन जी, बच्चे सारी दुनिया में बहुत प्यारे और बहुत अच्छे होते हैं और बहुत मासूम होते हैं, ये तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पाते या मदर टाइम नहीं दे पाती, या मदर उनको इस वे से पालती है कि जैसे कि वो जिद्दी हो जाए या उसकी हर इच्छा को अपना, मतलब मैं कोई काम कर लूं तो ले तू इस टॉय से खेले, या मैं कुछ काम कर लूं तो तुम ये ले लो, मोबाइल मेरा ले लो, या ये लगा देती हूँ ये देखो, या मैं तुम्हें टेलीविजन में कार्टून लगाती हूँ। सुमन जी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बिल्कुल सच्चाई के साथ देती हूँ, कि हमारे यहाँ एक ऐसे डॉक्टर थे, डॉक्टर है, कि उनका बेटा मेरे पास कहीं से सुन के आए थे कि ये डॉक्टर है, साइकोलॉजिकली भी ट्रीटमेंट देती हैं और योगा भी कराती हैं और ये डाइट भी देती है और ये सब मतलब ब्लेंड करती हैं, मेडिटेशन भी कराती, कहीं से सुना, और खुद वो थे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर। तो सुमन जी उनका बच्चा था लगभग 4 साल का, आप सोचेंगे कि वो इस हद तक कार्टून में घुस चुका था, उसका माइंड इस कदर चला गया था, इन्वॉल्व कर लिया था उसने, क्योंकि वो एवरी टाइम कार्टून देखता था, तो कार्टून में अपने आप को देखता था, वो हेलमेट भी लेता था तो वो अपने आप को ऐसे समझता था कि मैं मून में जा रहा हूँ या मैं ऐसे, मतलब
उसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, एवरी टाइम वो उसमें घुसा रहता था, मतलब उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया, सोते वक्त भी उसको वही देख करना, मतलब वही अपने आप को ही समझने लग गया था, मतलब उसका एक तरह से समझ लिया कि वो बेचारा इस कदर अलग हो गया था इस दुनिया से। धीरे 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 मुझे उसके ऊपर इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी उसके साथ, उस बच्चे के साथ उसको समझते हुए, उसको समझाते हुए, आज वो बच्चा इस टाइम 8th स्टैंडर्ड में और फर्स्ट रैंकर है, लेकिन उसके ऊपर हमने जो एफर्ट डाला वो हम ही जानते हैं कि उसको वापस लाने के लिए अपनी दुनिया में, यानी कि इस दुनिया में कार्टून से दुनिया, कार्टून की दुनिया से वापस लाने के लिए बच्चे को, इतनी पेरेंट्स को, फिर मुझे पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करनी पड़ती थी, पेरेंट्स के साथ भी बैठना पड़ता था अलग से, और वो पेरेंट्स को अपना दुश्मन एक तरह से समझने लग गया था, क्योंकि वो जब देखते थे कि रात को सोते वक्त भी वही कर रहा है, पढ़ाई में भी वही कर रहा है, स्कूल में भी वही कर रहा है, स्कूल से भी कंप्लेंट्स आती थी उसकी, तो वो इतना उसमें हो गया था, और घर में जैसे कार्टून में देखता था सेम वैसे ही बिहेव करने लग गया था, तो अपने आप को वही करेक्टर में डालता था। धीरे धीरे उसको हमने उसको, मैं अपने यहाँ पर उसको कम से कम 6 to 7 hours रखती थी, और उसकी मदर को अलग से समझाती थी आप ऐसे मत करो, कार्टून लगा के आप अपने काम में लग गए तो बच्चा बैठा है तो बैठा ही है, तो बच्चे को तो इंटरेस्ट बढ़ेगा उसमें, और बच्चे ने वही करना शुरू किया जो आपने करवाया। बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। मेरी जिंदगी में पहला एक केस इतना डिफिकल्ट था कि मुझे उसको बाहर निकालना पड़ा, मुझे इसको काफी टाइम लगा साइकोलॉजिकली उसको उसमें से करने के लिए। आज वो बच्चा 8th स्टैंडर्ड में, उस टाइम वो 4th में था, मतलब सॉरी 4th में था और काफी छोटी उम्र का ही था, तो अभी काफी इयर्स हो गए उसको, तो मतलब अभी वो नॉर्मल है, अभी वो कार्टून वगैरह नहीं देखता है, लेकिन वो रियलाइज करता है इस बात को कि मैं कैसे था और मैं कैसा हो गया, मैंने अपने आप को खो दिया था कार्टून में। तो आप सोचे कि पेरेंट्स का ही गलती करते हैं जाने अनजाने में, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी, लेकिन ये चीज सुमन जी, ये मैं आपको एक बात बोलूँ, ये हिंदुस्तानियों में या दूसरी कंट्रीज के लोगों में इतनी नहीं है जितनी कि हिंदुस्तानियों में है, जितना नहीं, नहीं, ये तो में सभी में है, मैंने बहुत देखा है, आपने देखा होगा लेकिन ये गलत है, ये आप वहाँ रहते हैं यूएस में आपको पता होगा, लेकिन मेरे पेशेंट जो वहाँ के हैं वो अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं, वो खाना भी दे देते हैं तो बच्चे अपने आप खाते हैं, मैंने ये देखा, इंडिपेंडेंट करते हैं बच्चों को, टॉयस दे देते हैं, बच्चे अपने आप एक एजुकेशनल टॉयस के साथ खेलते हैं, इंडिपेंडेंट करते हैं, बच्चों को कभी कभी कहीं ना डॉग या कैट देते हैं, तो बच्चों के साथ ह्यूमैनिटी कैसे होती है, कैसे करते हैं, दया कैसे रखते हैं एनिमल के लिए, या ह्यूमैनिटी कैसे पैदा करते हैं, ये वो जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कार्टून की बात है तो ये चीज हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा है। सुबह जी मैंने यहाँ के लोगों में जो मेरे एक पेशेंट है उनमें तो मैंने काफी ये जागरूक किया इस बात को कि बच्चों के साथ ऐसे पेश मत आए, कल को फिर आप यही बोलेंगे कि नहीं हमारा बच्चा तो छोड़ता ही नहीं, स्टडी नहीं करता, सारा दिन कार्टून देखता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में पिकिंग पावर इतनी फास्ट और इतनी शार्प रहती है, इतने इंटेलिजेंट होते बच्चे कि वो ही एज होती है 3 to 5 or 8 years तक, जो कि बच्चे तो डॉक्टर साहब अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, तो दोस्तों ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पर बात करेंगे, अगर आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन है तो डू कॉल अस 8443241300 पर, हम देते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, और आज का हमारा हेल्दी लाइफ में ही टॉपिक है बिहेव, तो डॉक्टर सोनम कपूर जी बहुत अच्छी तरह से हमें बता रहे हैं कि कैसे बिहेव करना चाहिए बच्चों को इन द बिगनिंग, चाइल्डहुड से ही अगर हम बच्चों को अच्छी तरह से उनके साथ बिहेव करेंगे, उनको अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, तो लाइफ आगे जाकर सुखद हो सकती है। जी डॉक्टर सोनम जी, सुमन जी हम बात कर रहे थे वही बच्चों के लिए, तो बच्चों को इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं करना बहुत जरूरी है, उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाना शुरू से बहुत जरूरी है। हमने ये बात नहीं की कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं,
सुमन जी, जब हम उनकी जिम्मेदारी उनको बताएंगे तो वो जिम्मेदारी का एहसास पेरेंट्स के प्रति भी आएगा। जी, जब वो खुद की जिम्मेदारी समझेंगे ना, तो कहीं ना कहीं सीरियस वो अपने पेरेंट्स के प्रति भी जरूर होते हैं। जी हाँ, वो समझने लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग आने लगती है, तो कहीं ना कहीं 100% समझते हैं। क्योंकि जब वो कहते हैं ना, जब इंसान अपने आप को समझता है सबसे पहले, तो वो दूसरों को समझने लगता है। तो बचपन से ही उनको समझने देना चाहिए खुद को अपने आप। तो डॉक्टर साहब, सम टाइम ऐसा भी होता है कि बेशक पेरेंट्स अपनी ओर से बड़ी अच्छी परवरिश देते हैं, बच्चों को टाइम भी देते हैं, हर तरह की सहूलत भी देते हैं, तो सम टाइम बच्चे ऐसी सोसाइटी में चले जाते हैं, स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम, तो उनका बिहेव बाहर के लोगों को देखकर धीरे धीरे घर वालों के साथ डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? जी, वो ऐसी हालत में ऐसा होता है सुमन जी, जैसे आपने पहले बोला ना, वो छुपाते हैं जी, कुछ चीजें छुपाते हैं। तो आपने बोला वो छुपाने की जरूरत नहीं है, तो आपको टाइम टू टाइम पेरेंट्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को पता तो चलता है टीनेज आ गई, जी हार्मोन चेंज हो गए बच्चों के, और जो हार्मोन चेंज होते हैं तो उस टाइम में बच्चे अपने आप को भी नहीं समझ पाते, तो वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव भी होते हैं, बॉडी में गर्मी भी आती है, बॉडी में चेंजेस भी आते हैं। उस टाइम बहुत पेशेंस के साथ पेरेंट्स को समझना चाहिए, लड़का है तो बाप के साथ, लड़की है तो माँ को समझना चाहिए। उनके हॉर्मोनल जो चेंजेस आते हैं, कहीं ना कहीं हॉर्मोनल चेंजेस भी इसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, जिससे बॉडी के साथ माइंड में भी इफेक्ट पड़ता है, बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है जी। तो उस टाइम समझने की जरूरत है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। तो उस टाइम समझे, बैठाएं अपने साथ, बात करें, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनके जो मेंटली प्रॉब्लम्स है, उनके फिजिकल प्रॉब्लम्स है, उनको समझे और समझ के उसका सॉर्ट आउट करे उस प्रॉब्लम को, अपना एग्जाम्पल दे उनके सामने। आप सामने से बात करें बच्चों के साथ, सामने से, ये वेट मत करें कि वो हमसे शेयर करें। कहीं ना कहीं शर्म आती है बच्चों को, कहीं ना कहीं ये चीजें बताने में वो अनइजी फील करते हैं, तो पेरेंट्स को उस एज में बच्चों के साथ सामने से बात करें। तो सामने से बात करेंगे, क्योंकि ये सारा खेल हार्मोनल इंबैलेंस का होता है सुमन जी। तो समटाइम ऐसा ही जी, समटाइम डॉक्टर साहब, जी जी आप कहिए। तो ये जब हार्मोनल इंबैलेंस होता है तो बच्चे अग्रेसिव भी होते हैं, बच्चों की बॉडी भी गर्म होती है, बच्चों की बॉडी चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते इस एज में जाते ही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी जाए। तो इसी के लिए तो कहते हैं कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए, बच्चों से दोस्ती के साथ पेश आना चाहिए। बच्चे वो ही गलत रास्ते जाते हैं उस एज में, जहां पर बच्चों को केयर नहीं मिलती, जहां पर बच्चों को टाइम नहीं मिलता, जहां बच्चों के साथ उस एज में बैठ के बात नहीं करते। आप कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ना कोई उसकी हॉबी उसके अंदर ऐसी डेवलप हो रही है, उसको उसको आप सपोर्ट दें, ताकि वो अपना माइंड उसमें लगाए। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ हॉबी होती है, हर बच्चे के अंदर 1, 2, 3, 4 हॉबीज होती हैं, जो कि उस टाइम वो भी नहीं समझ पाता, तो उसकी जो एक्टिविटी उस पे ध्यान रखते हुए उसकी हॉबी को सपोर्ट करें। तो बच्चों को टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो उस तरफ इधर उधर देखें। हाँ, वो हार्मोनल जो इनबैलेंस है वो कहीं ना कहीं गुड फील फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा जो होते हैं बॉडी के, तो वो बच्चों के अंदर, ये पहले से पेरेंट्स को समझना होगा इस बात को, हर पेरेंट्स को समझना होगा, टाइम देना होगा उनको, समझना होगा। ये नहीं है कि बच्चे बोल रहे हैं कि हमें तो ये खाना है, तो चलो भी रोज ही दे दिया पीछा छुड़ाने के लिए, माँ ने बनाया ही नहीं बच्चों, क्योंकि उस टाइम थोड़ा खट्टा खाने को मन करता है, बच्चों को बाहर खाने को मन करता है, रोज के रोज बच्चों को पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें खाने को मन करता, तो वैसे ही उनका माइंड के हॉर्मोन्स, वैसे ही उनके अंदर केमिकल चेंजेस आते इमीडिएट। जैसे एक बार मैंने एग्जांपल दिया था कि अचार रख दो तो मुंह में पानी आ जाता, वैसे ही खाना जैसा आहार वैसा विचार विचार हाँ, तो ये आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथ में, तो ये तो पूरा प्रूव हो चुका है कि आहार से ही विचार पैदा होते हैं।
तो अपने आप के अंदर, अपने अंदर इतना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों से ज्यादा होती है, पेरेंट्स को पहले ही रूट जो है शुरू से ही ठीक करना चाहिए। अगर बाय द वे अभी जो बन गए, जो हो गया, तो उसको उस टाइम काउंसलिंग कैसे लेनी है। तो इसलिए पेरेंट्स को पहले, आप देखिएगा स्कूलों में काउंसलर होते हैं बच्चों को काउंसलिंग देने के लिए, और पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, तो पेरेंट्स को भी काउंसलिंग देते हैं ताकि हाउ टू टैकल द चिल्ड्रन, उस टाइम आपको कैसे टैकल करना है। तो ये एक एक साइंस है, ये एक आर्ट है। इसमें तो डॉक्टर साहब मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि उनमें से एक जहाँ माँ जाती है, जब बाप जाता है, जब लाइक यहाँ भी ऐसे होता है कि मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं टीचर पेरेंट्स के साथ, तो समटाइम दोनों ही नहीं जाते, समटाइम एक जाता है, जहाँ माँ जा बाप, तो एक जो जाता है वो ही रेगुलर बेसिस पर जाता है, दूसरे बंदे को, दूसरे पार्टनर को पता भी नहीं होता कि बच्चे का स्कूल में चल क्या रहा है, क्या रहा है। ऐसे ऐसे बहुत मैंने देखा है। मुझे तो लगता है कि काफी पेरेंट्स है जिन्होंने बच्चों के स्कूल जाकर भी नहीं देखा, चाहे वो किंडर से लेकर 12th grade पर तक हम अगर ले लें, तो देखा ही नहीं होगा कि मेरे बच्चों की टीचर कौन सी क्लास में कौन सी थी, ग्रेड कैसे हैं, टीचर्स ने क्या कहा, मेरा बच्चा किस और जा रहा है, उसका इंटरेस्ट किस और है। तो अगर हम स्कूल से ये चीजें वहां से ही तो हमें सीखने को मिलती हैं, अगर पेरेंट्स जाकर टीचर के साथ खुले बात करते हैं बच्चे के बारे में, क्योंकि हम जो घर पर होते हैं, घर पर हमारे बच्चों का बिहेव डिफरेंट होता है, और जब स्कूल का हो तो स्कूल में बच्चों का बिहेव टोटली डिफरेंट होता है। वहां टीचर एज ए मदर या एज ए फादर वो उनको नोटिस करते हैं कि बच्चे किस लाइन में जा रहा है, कैसा इंटरेस्ट है, कौन सी गलतियां कर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। तो वहां जाना मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है अगर हम टीचर के साथ जाकर बात करते हैं अपने बच्चों के बारे में इन द बिगनिंग, सुमन जी, ये तो जरूरी है जाना, क्योंकि काउंसलर वहां पर होते हैं और टीचर, आप देखेंगे सबों के कार्ड के पीछे एक रिमार्क्स होता है जी, वो साल भर के जो उसने वॉच किया होता है बच्चे को, जो उसका बिहेवियर है, जो उसके एग्जाम्स के जो एबीसीडी ग्रेड है, जो वहां पर वो टीचर के साथ बिहेव करता है या वो एग्जाम देता है, उसमें उसके जो नंबर आते हैं, वो सारे का सारा कंक्लूजन वो लास्ट में लिखते हैं। तो उसका एक साल का जो कंक्लूजन निकल के आता है वो लास्ट में लिखते हैं, तो उसका मतलब है कि बच्चे में यहाँ ये कमी है, तो आप इसके ऊपर केयर करें। लेकिन कोई भी पेरेंट्स नहीं करता, बहुत कम करते हैं सुमन जी इस चीज को नोटिस। और वो लास्ट मैंने देखा है कि अगर मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, तो मैं जब उनके रिपोर्ट कार्ड देखती हूँ, तो उसमें वो बचपन में ही लिखा रहता है कि ये बच्चे की यहाँ कमी है, लेकिन पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, और वो बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, तो देन इट्स टू लेट। हाँ, टू लेट, इतना लेट हो जाता कि हम चेंज नहीं कर पाते, कर ही नहीं सकते। तो वो कहते हैं ना कि जब पॉट बनाता है पॉटर ना, तो वो उसको कैसे भी शेप करता है, कच्चे घड़े को शेप कर लेता है ना, तो उसके बाद जब उसको पॉट को वो गर्म कर देता है, तो वो पक्का घड़ा बन जाता है। तो पक्का घड़ा तो वो बन गया, तो वो जब उसको उसको शेप तो दे नहीं सकते, अगर हम शेप देंगे तो टूट जाएगा। तो इसलिए टीनेज के बाद वो एज आ जाती है जब आप अपने बच्चे को, तो वो बच्चा तभी चेंज हो सकता है सुमन जी उस एज में, जब वो बच्चे को सेल्फ एनालाइज कराया जाए। और ये सेल्फ एनालाइज कौन कराता है, उसके सराउंडिंग में जितने भी उसके रिश्तेदार होते हैं, जित पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो भी होता है, उसके टीचर्स होते हैं या प्रोफेसर होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको एक प्यार से मोल्ड करते हुए एक साइकोलॉजिकली तरीके से उसको फिर वो रियलाइज कराते हैं। तो जब वो रियलाइज होता है, तो बच्चा 100% अपने आप को जब पा लेता है, सिंपल चीज में मैं बोलूंगी, जो इंसान अपने आप को जब वो पा लेता है, तो फिर वो गलतियां नहीं करता सुमन जी, झूठ नहीं बोलता, उसमें पेशेंस इतना बढ़ जाता है, और वो अपने बच्चों को भी आगे उसी हिसाब से पालता है कि उसमें वो चीजें ना रहे। हाँ,
आप देखिएगा कि ये इतनी बेसिक चीजें हम बता रहे हैं, इतनी बेसिक चीजें बता रहे हैं जिससे कि बड़े होकर के भी बच्चे वैसे ही बने रहते जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में अपना चाइल्डहुड बिताया था, बिल्कुल किस पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सही बात। तो डॉक्टर साहब अभी हमारा समय भी हो गया है आपसे विदा लेने का, हमारे व्यूअर्स से भी विदा लेने का। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया और हम भी चाहते हैं कि ये स्ट्रेस लेवल हम अपने व्यूअर्स का अपना दूर करें बातों से, बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ का अपने साथ, फैमिली में अगर कोई और मेंबर्स हैं उनके साथ, अगर घर में एक फैमिली मेंबर भी ऐसे हैं तो सबका माहौल चेंज हो जाता है। तो क्यों ना अगर एक फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम है तो सारे सारे फैमिली मेंबर मिलकर 5 मिनट 10 मिनट उनके साथ बैठें, बात करें। अगर 5-5 मिनट भी एक फैमिली मेंबर बात करे तो आई थिंक हम उनको चेंज कर सकते हैं, उनका मूड चेंज कर सकते हैं, उनका स्ट्रेस को हम दूर कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमने कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मन बनाना पड़ता है। तो स्ट्रेस लेवल अगर दूर होगा तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। दोस्तों आपसे भी हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या, डॉक्टर साहब के साथ ही बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। अगर आपको भी है कि आप ये टॉपिक लेके आओ तो ऑब्वियसली आप हमें ईमेल कीजिए या हमें कॉल कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम फिर वो टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार, रब रखा।